है जी बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। लापरवाही जारी, कोरोना भारी। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। संक्रमण से मरने वालों की तादाद हर रोज हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना संक्रमण से 77 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,359 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। और 24 घंटे में ही बीते 1,01,428 सैंपल्स की जांच अब तक हो चुकी है, और जबकि 6,447 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है, आपको बता दें 78.49% है। राजधानी पटना की बात करें तो 24 घंटे में यहाँ पर 2,479 नए केस सामने आए और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल कोरोना के जो एक्टिव केस है यहाँ पर वो है 81,960। तो बिहार में 81,960 जो है कोरोना के एक्टिव केस बने हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं। 24 घंटे में 12,359 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। लगातार बिहार में कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। और उधर कोरोना के बढ़ते मामलों और डॉक्टर्स पर हो रहे हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने भी चिंता जाहिर की। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 2 ट्वीट किए और जनता से सहयोग करने की अपील की, और मुश्किल वक्त में भी धैर्य बनाए रखने को उन्होंने कहा। पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखा आपको बता दें, कोरोना के चलते हम लोग मानवता पर आए हैं। अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं। इससे उबरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जरूरी उपाय कर रही है। इस जंग में आप सभी का सहयोग जरूरी है। कृपया जागरूक और सतर्क रहें, सकारात्मक सोच रखें, डॉक्टर्स की सलाह और गाइडलाइंस का पालन करें। दूसरे ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्य कर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उसके लिए वो अभिवादन के पात्र हैं। ये जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान वो उनको प्रदान करें जिसके वो हकदार हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। सीएम ने हर जिले में वॉक इंटरव्यू के जरिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने के लिए कहा। सीएम के निर्देश के बाद इस मसले पर प्रधान सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है बकायदा, जिसमें स्वास्थ्य और आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, तकनीकी सेवा के आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार भी मौजूद रहे। तो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पर अपील की है लोगों से आगे बढ़कर सहयोग करने की, उन्होंने अपील की है और बकायदा बैठक भी हुई है सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य और आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, तकनीकी सेवा के आयोग के अध्यक्ष मौजूद रहे। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं रितेश। रितेश, क्या कहता है वहां का आंकड़ा और क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है, पूरी रिपोर्ट बताएं। सबसे बड़ी बात है मनी कि आंकड़े जो है अब बेहद भयावह हो चुके हैं। 24 घंटे में 77 लोगों की पूरे बिहार में मौत हो जाती है। अगर बात करें तो सिर्फ एनएमसीएच, पटना में एनएमसीएच है, एनएमसीएच में 24 घंटे में 21 लोगों की मौत होती है। 24 घंटे में 12,359 मामले सामने आए हैं, जिसमें पटना की ही बात कर लें तो पटना में सबसे ज्यादा 2479 मामले सामने आए हैं। आप समझ सकती हैं कि आंकड़े जो हैं कितने भयावह हैं। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो लगातार गिरते जा रहा है। अब रिकवरी रेट जो है वो 78% पर आकर सिमट चुका है। किसी भी हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, उसके बाद एनएमसीएच का नंबर आता है। एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, 500 बेड यहाँ पर तैयार किए गए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पूरे जो बेड हैं वो फुल हो चुके हैं। लोगों को अभी भी ऑक्सीजन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। पीएमसीएच की बात कर लें, बेड फुल चल रहे हैं। एम्स की बात करें, एम्स में भी वही हालात बने हुए हैं। एम्स में भी कल 9 लोगों की मौत हो गई। तो आप देख लीजिए कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो लगातार फुल चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट अस्पताल जहां पर कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा है
वहां भी स्थिति यही बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो हमारे संसाधन है वो दम तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और हालात पर उनकी मॉनिटरिंग है। कल भी उन्होंने बैठक की और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया कि वॉक इन इंटरव्यू के जरिए जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनकी बहाली की जाए, क्योंकि पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ उसकी वजह से इंटर्न्स नहीं आए और इंटर्न्स की कमी की वजह से भी लोगों की इलाज में जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिन मरीजों को परेशानी हो रही है, जिनके यहाँ कैजुअलिटी हो रही है, वो आक्रोशित होकर कहीं ना कहीं डॉक्टरों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है, खुद मुख्यमंत्री इस पर बैठक कर रहे हैं, हालात पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी बात कर ले मनी अगर देखा जाए तो जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लगातार अपने जो हमारा जो सरोकार है, जी मीडिया का जो सरोकार है, हम अपने सरोकार के तहत लगातार खबर दिखा रहे हैं, सरकार को भी जगा रहे हैं, क्योंकि लापरवाही अभी भी भारी पड़ रही है। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, संसाधनों को जुटा रहे हैं, इलाज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो दिखनी चाहिए थी जो शक्ति वो नहीं दिख पा रही है, क्योंकि आज भी लोगों को मास्क के लिए आपको जागरूक अगर करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को आप सिर्फ जागरूकता से नहीं बल्कि अब इन पर सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर सख्ती ऐसे लोग नहीं मानने वाले। सबसे लापरवाह स्थिति मनी मैं आपको ये बता दूं कि लगातार हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लापरवाह लोगों से भी हमारी बात हो रही है। सब्जी मंडियों में उसी तरह से भीड़ है, बस स्टैंड में उसी तरह से भीड़ है, मास्क को लेकर कोई सजगता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को पता नहीं है। सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस की टीम में जो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। पुलिस की टीम जा रही है, खाना पूर्ति कर रही है, मास्क के लिए किसी को टोक तक नहीं रही है। तो जब सख्ती नहीं होगा, जहां से बीमारी उपज हो रही है, जहां से बीमारी शुरू हो रही है, अगर हम उसे ही नहीं खत्म कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिलेगा, संसाधन कम पड़ेगा। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रितेश कही कि जब प्रशासन ही खोखला हो तो आखिर लोग कैसे बाज आएंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, बहुत शुक्रिया आपका रितेश जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण